हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में गदर फिल्म से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सनी देओल अमीषा पटेल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा आज भी लोगों की फेवरेट है। इन दिनों फिल्म के दूसरे पार्ट गदर 2 की शूटिंग चल रही है, जिसमें एक बार फिर तारा सिंह और सकीना की जोड़ी नजर आएगी। यह फिल्म रिलीज के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सकीना का किरदार सबसे पहले काजोल को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। अनिल शर्मा ने इस बारे में खुलकर बात की है। वहीं हम आपको बताते चले तो एक इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने कहा था कि जब वह किसी का नाम नहीं लेना चाहते तो कई अभिनेत्रियों ने किसी ना किसी बहाने फिल्म को अस्वीकार कर दिया था, जबकि कुछ ने महसूस किया कि यह बहुत पुराने जमाने की थी। कई अभिनेत्रियों ने सनी देओल को अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझा था। वही हम आपको बताते चले तो यह पूछे जाने पर कि क्या रोल के लिए काजोल से संपर्क किया गया था, इसके जवाब में फिल्म निर्माता ने बॉलीवुड बबल से कहा था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, यह सही नहीं है। मीडिया किसी का भी नाम लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हमने उस समय की कई शीर्ष अभिनेत्रियों से संपर्क किया, कुछ ने महसूस किया हम उनके मानकों पर खरे नहीं उतरे। उन्हें लगा कि सनी देओल साहब उनके मानकों तक नहीं थे, उन्हें लगा कि हम ट्रेंडी नहीं है, उन्हें स्क्रिप्ट तक नहीं सुननी थी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी कहानी सुनने वाली कुछ अभिनेत्रियों को लगा कि यह एक पीरियड फिल्म है और इसमें शामिल होना ठीक नहीं। उन दिनों फिल्मों की शूटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती थी, कोई ना कोई बहाना बनाकर कईयों ने फिल्म छोड़ दी। फिल्म निर्माता ने कहा कि अमीषा पटेल को इस किरदार को निभाने के लिए चुना गया। अनिल शर्मा ने कहा, शायद यह उनकी गलती नहीं है, कई कलाकार उन्होंने इस किरदार को ठुकरा दिया था, अब उनके दोस्त हैं और अक्सर फिल्म नहीं करने पर खेद व्यक्त करते हैं। वही हम आपको बताते चले तो गदर 2 फिल्म को लेकर फैंस के बीच क्रेज बना हुआ है और फैंस इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वहीं हम आपको और बता दें तो गदर 2 फिल्म को लेकर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। जैसे इस फिल्म से जुड़ी कोई भी खबरें आएंगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, गदर 2 फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।